वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन की बिगड़ी सेहत, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सत्येन जैन को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सत्येन जैन को सांस लेने में है तकलीफ, कल आया था तेज बुखार। सत्येन जैन में कोरोना के पाए गए लक्षण, रिपोर्ट आना बाकी। कल अमित शाह की बुलाई सर्वदलीय बैठक में भी शामिल हुए थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन। यूपी में सीएम हेल्पलाइन 1076 में फूटा कोरोना बम, कंपनी स्योरवन बीपीओ से जुड़े 88 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी कंपनी स्योरवन बीपीओ पर लॉकडाउन के गाइडलाइंस को दरकिनार करने का आरोप, सीएमओ ने भेजा नोटिस, किए 3 अहम सवाल। प्रयागराज के एसएसपी रहे अनिरुद्ध सत्यार्थी, पंकज को हुआ कोरोना, गनर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ पर बड़ा कोरोना अटैक, सोमवार को आई रिपोर्ट में 89 सीआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। सलमान की हीरोइन रही पूजा डडवाल को कोरोना का शक, सलमान खान से मांगी मदद, कहा नहीं पैसे, इलाज के लिए जाऊं कहां। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 10,667 कोरोना मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 3,43,091, 24 घंटे में 10,215 लोग हुए स्वस्थ। देश में कोरोना से 24 घंटे में गई 380 लोगों की जान, अब तक 9,900 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक 1,80,013 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 1,53,178 कोरोना के एक्टिव केस। पेट्रोल डीजल में फिर बढ़े दाम, पेट्रोल 47 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल के दामों में प्रति लीटर 57 पैसे का हुआ इजाफा। 8 दिनों की बढ़ोतरी में करीब 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, जबकि पिछले 8 दिनों में डीजल के दामों में रिकॉर्ड 4 रुपए 64 पैसे का इजाफा। सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के दामों पर लगातार बढ़ोतरी का उठाया मुद्दा, दाम घटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे खत में किया जिक्र, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से जनता की महंगाई से टूट रही है कमर, दाम बढ़ाने की नहीं है कोई वजह। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर साधा गया निशाना, अशोक चौहान और बाला साहेब थोराट के बयानों पर एतराज। कांग्रेसी नेताओं ने कहा अफसर हमारी नहीं सुनते, सीएम से करेंगे बात, सामना में लिखा गया पुरानी खाट की तरह आवाज कर रही है कांग्रेस। सामना में कांग्रेस पर वार से बीजेपी को मिला मौका, राम कदम बोले महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस का हो रहा अपमान और कांग्रेस इसे सह रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने विवाद बांटने की कोशिश की, कहा सीएम उद्धव का कैबिनेट के सभी मंत्रियों से तालमेल बहुत अच्छा। संजय राउत ने कहा कोई नाराज नहीं है, बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान से हुई बात, मौजूदा चुनौतियों से निपटकर सभी की सुनेंगे सीएम उद्धव। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 5-स्टार सियासत जारी, बीजेपी के विधायक भी आज से 5-स्टार होटल। राजस्थान में 3 दिन तक सभी बीजेपी विधायकों को होटल में रखा जाएगा, क्राउन प्लाजा होटल में ठहराए जा सकते हैं सभी बीजेपी विधायक। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर किया वार, सचिवालय को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। प्रियंका गांधी ने लिखा यूपी में पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की खोली कलाई, अगर इसकी खबर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नहीं थी तो ये चौंकाने वाला। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से आज स्पेशल सेल करेगी पूछताछ, जफरुल के सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर दर्ज है देशद्रोह का केस। कोरोना संकट पर आज प्रधानमंत्री मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से बात करेंगे, इन राज्यों में कोरोना की काबू में है रफ्तार, दोपहर 3 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कल प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के कहर वाले 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात पर चर्चा करेंगे, इन राज्यों में दिल्ली महाराष्ट्र भी शामिल। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों से आज पहली बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने नियमों में और ढील देने की मांगी, राय उन्होंने कहा
कि वो मोदी से वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू करने की मांग करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर में शोपिया में सुरक्षा बल की फिर हुई आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। हिजबुल कमांडर जुबैर भी ढेर, मारे गए 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के, सभी के शव बरामद। मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद की गई। शोपिया के जैनपोरा इलाके में सुरक्षा बल ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने की थी आतंकियों की घेराबंदी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में 2 हफ्ते में 17 आतंकी मारे गए। कश्मीर में जनवरी से अब तक करीब 100 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने किया खात्मा। पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत, फिर तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने तंगधार इलाके में की अंधाधुंध गोलीबारी, मोर्टार से दागे गोले। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने लगाई लताड़, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए भारत ने कहा खुद नरसंहार करने वाले देश को आरोप लगाने की हिम्मत कैसे आई। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तजाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र, तजाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।